विजय प्रजापति जी का प्रश्न ले लेते हैं। विजय जी जानना चाह रहे हैं IRFC के लिए में क्या कुछ टारगेट जो है भविष्य में निकल करके आ सकते हैं। हालांकि टाइम फ्रेम इन्होंने नहीं भेजा है हमें, लेकिन IRFC का टारगेट देखना चाह रहे हैं। आज क्या बात है, क्या शानदार मूव पूरे रेलवे में चल रहा है। जरा IRFC के साथ साथ थोड़ा सा RBNL भी अगर आप ऐड कर देंगे तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। 7.5-8% तेज है सर इस समय शेयर, 154-155 का लेवल देखने को मिल रहा है। ऐसी क्या खबर आ गई जिसकी वजह से आज रेलवे में एकदम से शानदार मूव देखने को मिल रहा है? आपकी आपके पास कोई खबर हो तो बताइए सर, और बाकी चार्ट्स पर कैसा लग रहा है ये? तो देखिए, ऐसा है, जिस तरह का BEL का रिजल्ट आया है, ये यहाँ पर आप देखेंगे तो जिस तरह का और जिस तरह के फाइनेंसिंग कंपनी के रिजल्ट्स आ रहे हैं, बिल्कुल तैयारी थी एक बार बॉटम पे पिकअप होने की, क्योंकि काफी गिरावट ऑलरेडी आ गई थी। तो आप देखिए, कॉनकॉर का रिजल्ट बेहतरीन आया है। यहाँ पर आप देखिए, कॉनकॉर का रिजल्ट अगर आप देखेंगे तो मैं आपसे यहाँ शेयर करना चाहता हूँ, अच्छा रिजल्ट कंपनी ने दिया है, कंटेनर कॉर्पोरेशन ने, जो सिक्वेंशियली भी आप देखेंगे तो करीब 6-6.5% का EBITDA मार्जिन बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। 2097 करोड़ के अगेंस्ट 2283 करोड़ का ऑपरेशनल रेवेन्यू इस क्वार्टर में क्लॉक हुआ है। अच्छी ग्रोथ है ऑपरेशनल रेवेन्यू में, गाइडेंस भी काफी अच्छा है आने वाले समय में। तो देखिए, कॉनकॉर में ग्रोथ इतने अच्छे नंबर्स की वजह से आप देखिए कौन है, RVNL है, इसके अलावा IRFC है, यहाँ पर सब जगह पर आपको एक अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। देखिए, कंटेनर कॉर्पोरेशन में पॉजिटिव हूं, मुझे लगता है यहाँ पर एक बड़ा मूव आएगा। इसके अलावा आप इरकॉन पर भी देखें तो मुझे लगता है कि अभी नहीं, लेकिन ये स्टॉक थोड़ा सा 220-225 के ऊपर सस्टेन कर जाए, इसके बाद देखिए 260-270 की तरफ कम से कम स्टॉक आपको जाता हुआ दिखाई देगा। तो सिमिलरली आप RVNL को देखेंगे तो जैसे ही स्टॉक कहीं 492-510 के जोन में ऊपर जाएगा, वैसे ही बेस बन गया 410 के आसपास, जैसे ही 492-510 के ऊपर जाएगा बिल्कुल पॉजिटिविटी आएगी, स्टॉक आपको 640 के टारगेट के लिए होल्ड कीजिएगा। तो यहाँ देखिए, RVNL है, कौन है, IRFC है, तीनों में ही एक बुलिशनेस है। IRFC देखिए बहुत अच्छा मूव है, बेस बन गया है अच्छा 133 रुपए के आसपास, पिछले 2 वीक के कंसोलिडेशन बेस का ब्रेकआउट आज ये दिखा हुआ दिख रहा है, 175 से 180 का टारगेट यहाँ पर बिल्कुल खुलता हुआ IRFC में दिखाई दे रहा है। तो जो दर्शक हमें देख रहे हैं, अगर थोड़ा रिस्क ले सकते हैं तो बिल्कुल बाय एंड डिप्स की स्टडी रखें, क्योंकि स्टॉक आज 7-8% भाग गए, थोड़ा सा 20-20% करके पैसा डालें, स्टॉप लॉसेस जो मैंने जिक्र किया है वो रखें, मुझे लगता है अच्छा ट्रैक्शन यहाँ पर आने वाले समय में आपको देखने में मिल सकते हैं। तो अभी मतलब भी कह रहे हैं थोड़ा सा नीचे आया तब लें, अभी आज की 7-8% की जो रैली है उसमें एंट्री नहीं करनी चाहिए ना? नहीं, बिल्कुल 20-20% करके बिल्कुल जी एंटर करें, अगर 10 रुपए आपके पास है तो 2-2 रुपया करके एंटर करें और धीरे धीरे करके करें, क्योंकि अगर स्टॉक भाग गया ऊपर तो आपको एंटर करने का मौका नहीं मिलेगा। इन दैट केस कुछ तो आपके पास पोर्शन रहेगा, और अगर गिर गया तो आप पूरा पैसा डिप्लॉय कर पाएंगे, आपका रिस्क रिवॉर्ड बेहतर हो जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा करके एंटर करें, और क्योंकि आज कॉनकॉर का रिजल्ट आया है, बहुत अच्छा रिजल्ट आया है, उसका सारा रब ऑफ इफेक्ट है आप देख रहे हैं पूरे सेक्टर के ऊपर। तो बिल्कुल मुझे लगता है चूंकि कॉनकॉर का रिजल्ट अच्छा आया, तो बिल्कुल सिक्वेंस आप देखेंगे तो ये बिल्कुल मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है सेक्टर के अंदर, तो बिल्कुल सभी का रिजल्ट बेहतर आएंगे, इसलिए देखिए स्टॉक्स पे एक अच्छा मूव है, मुझे लगता है मूव सस्टेन करेगा। चलिए, तो ये राय आप लोगों को IRFC RVNL जैसे शेयरों पे निकल के आती हुई, फिर पूरे पैसे ना लगाएं, नीचे आता है तो फिर वो सही समय होगा पैसे लगाने का, अभी पूरे पैसे एक साथ ना लगाएं।